आज मैं आपको बॉलीवुड का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जी सुनकर आप सभी लोगों का सच फेल लगेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो किस्सा मत सुनाओ। नहीं नहीं, किस्सा तू आपको सना हाय करेगा। चलो ठीक है सुनाए। आपको इतने दिनों से जेल रहे हैं तो आज भी जेल लीट है ना, तो क्या किस्सा है? ये किस्सा जुड़ा है बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ। ओ वाह, मिथुन चक्रवर्ती का किस्सा सुना रहे हो, टैप टू जरूर सुनाओ क्योंकि मैं मिथुन चक्रवर्ती की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सुनो, बात उन दिनों की है जब मिथुन चक्रवर्ती की मूवी डिस्को डांसर रिलीज हो चुकी थी और उनकी गिनती बॉलीवुड के स्टार एक्टरों में होने लगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिथुन चक्रवर्ती को एक्टर मैन को तैयार नहीं थे, जबकि इस समय मिथुन को नेशन अवार्ड मिल चुका था। मगर लोगों का कहना था कि ये लड़का सिर्फ डांस और फाइट हाई कर सकते, बस उससे आगे कुछ नहीं। वे इस बात भी सही थी क्योंकि इस समय तक मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी फिल्म रिलीज हुई थी सब में उन्होंने एक्शन और डांस हाई जदा किया था। और साथ बात तो ये भी थी कि मिथुन चक्रवर्ती भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए जब उन्हें फिल्म प्यार झुकता नहीं का ऑफर मिला तो मिथुन चक्रवर्ती ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को समझ में आ गया था कि इस फिल्म के बाद उनकी फाइट और डांसिंग की इमेज बदल जाएगी। और हुआ भी असहाय, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में इतना पसंद किया कि जो लोग मिथुन चक्रवर्ती को एक्टर नहीं मानते थे वो लोग भी कहने लगे कि मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छे है। अच्छा, ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हाई हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती के व्यामी और बताइए ना। इस एपिसोड में सिर्फ इतना हाई, बाकी का अगला एपिसोड में। अगर आप बॉलीवुड की खबर हमारे अंदाज में जाना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए और हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए।